ऊपर से रूह अफ़ज़ा। और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। ले जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आजकल गर्मियों का सीज़न चल रहा है तो कुछ ना कुछ ठंडा खाने पीने का दिल करता है, तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार घर की चीज़ों के साथ ही कस्टर्ड फलूदा बनाना सिखा रही हूँ, जो कि बहुत ईजीली जो है आप घर में तैयार कर सकते हैं। इसके लिए मुझे चंद चीज़ों की ज़रूरत है। कोई से भी जो आपके पास घर में फ्रूट्स पड़े हों वो आप यूज़ कर सकते हैं। इस वक्त मैं यहाँ पे केला, सेब और साथ में थोड़े से मैंगो इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसके साथ साथ कोई सी भी सेवी जो आपके घर में है, ये फ्राई की हुई सेवी है या बग़ैर फ्राई किए हुए सफ़ेद कलर की जो सेवी होती है वो है, तो वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम स्पेशल जो फलूदा की सेवियाँ होती हैं वो वाली नहीं यूज़ कर रहे। ये बहुत झटपट घर की चीज़ों से ही समझें आप कि बहुत मज़ेदार आपका जो फलूदा तैयार होगा। सेवी के साथ साथ यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जैसे कि ये मैंने थोड़े से बादाम जो है इनको मैंने क्रश करके रखा हुआ है, थोड़ा सा मैंने पिस्ता लिया इसको मैंने क्रश करके रखा हुआ है, थोड़ा सा फूड कलर और थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, वनीला एसेंस और थोड़े सी कुकमलंगे, और इसके साथ साथ रूह अफ़ज़ा या कोई सा भी आप रेड कलर का शरबत यूज़ कर सकते हैं। और 6 to 7 टेबलस्पून जो है यहाँ मैंने ये चीनी ली है, और इसके साथ साथ 1 लीटर मेरे पास दूध है। चलिए अब कस्टर्ड फलूदा बनाना स्टार्ट करते हैं। कस्टर्ड फलूदा बनाने के लिए सबसे पहले हम ये तुखमलंगों को भिगोएंगे। ये तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब मेरे पास जो है ये तुखमलंगे हैं, इनको मैं ये इसमें डालती हूँ ग्लास में, और साथ ही ये इसमें पानी शामिल करते हैं। ये 1 टेबलस्पून जो है ये बहुत अच्छी तरह से पूरा भर के जो है ये ग्लास बन जाएगा। बस इसको हमने डाल के अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये फौरन ही जो है डालते साथ ही फूलना शुरू हो जाती हैं। अभी ही थोड़ी देर में ये सारी की सारी जो है फूल जाएंगी। जब तक ये फूलती हैं तब तक हम बाकी की रेसिपी बनाते हैं। ले जी, कस्टर्ड फलूदा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये चूल्हे पे 2 पैन रखे हैं। एक के अंदर मैं कस्टर्ड बनाऊंगी और दूसरी के अंदर मैं सेवी बनाऊंगी। सबसे पहले ये 1 पैन में मैं दूध डाल रही हूँ। ये 1 लीटर दूध है जिसमें से मैंने कस्टर्ड घोलने के लिए पहले से ही दूध निकाल के रख लिया 1 कप, और 1/2 लीटर के करीब जो है ये मैं सेवी बनाने के लिए यूज़ कर रही हूँ। ये आप क्वांटिटी जो है अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको बनाना हो आप उस हिसाब से इसको कम कर सकते हैं। अब ये 1 कप जो है ये मैंने 1 लीटर में से ही दूध निकाला है, उसके अंदर मैं ये 2 टेबलस्पून जो है कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ। ये रेसिपी मैं आपको इस तरह से बता रही हूँ कि अगर घर में कस्टर्ड भी अवेलेबल नहीं है और आपका दिल कर रहा है फलूदा कस्टर्ड खाने का, तो आप घर में कॉर्नफ्लावर लें 2 टेबलस्पून, उसको इस तरह से जैसे दूध में कस्टर्ड घोला जाता है वैसे ही आप ये कॉर्नफ्लावर घोलें और इसको आप दूध में डाल दें। ये जिस तरह से मैं आपको बताऊँगी आपको बिल्कुल कस्टर्ड का ही फ्लेवर आएगा इसमें। ये सारे का सारा मैं इसमें शामिल करके इसको पकाती हूँ, और इस वाले में मैं सेवियाँ डालती हूँ। क्योंकि हम ये कस्टर्ड फलूदा बना रहे हैं इसलिए हम सेवियाँ जो है ये थोड़ी लंबी लंबी रखेंगे, क्योंकि लंबी लंबी सेवी जो है वो फलूदे में अगर मुंह में आए तो बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। ये ऑलरेडी रोस्टेड सेवियाँ हैं इसलिए हम इसको रोस्ट नहीं कर रहे। अगर आपके पास सफ़ेद सेवियाँ हैं तो आप उसको पहले थोड़े से घी के अंदर
उसको भून लें, फिर आप उसको डालें। अब ये जिस पैन के अंदर मैंने कॉर्नफ्लावर घोल के डाला है उसके अंदर ही जो है मैं ये चीनी भी डाल रही हूँ। साथ ही साथ जो है वो हमारी सेवइयां भी बन रही हैं और साथ ही साथ जो है कस्टर्ड भी बन रहा है। जब तक इसमें चीनी डिजॉल्व होती है उतनी देर तक मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँ, फिर इसके अंदर मैं बाकी की चीज़ें शामिल करती हूँ। लें जी, इसके अंदर अब चीनी जो है वो डिजॉल्व हो गई है, वनीला एसेंस जो है ये मैं इसमें डाल रही हूँ, साथ ही पिंच ऑफ फूड कलर। ये देखें क्या जबरदस्त जो है हमारा कस्टर्ड रेडी हो रहा है। इसमें आपको बिल्कुल फ्लेवर भी कस्टर्ड वाला आएगा और खुशबू भी आपको कस्टर्ड वाली ही आएगी। ये मैं आपको बहुत ज्यादा इजी मेथड बता रही हूँ कि अगर आपके घर में कस्टर्ड भी अवेलेबल नहीं है फिर भी जो है आप अपनी मनपसंद रेसिपी बना सकते हैं। इधर सेवइयां भी हमारी जो है बन रही हैं बहुत अच्छी वाली। ये कस्टर्ड वाला जो है इसको हम विस्क की मदद से विस्क करते जाएंगे ताकि इसमें लम्स नहीं आए। ये सेवइयों से क्या है कि दूध भी जो है ये भी थोड़ा सा हमारा गाढ़ा हो जाएगा। ये देखें जबरदस्त किस्म की जो है ये सेवई रेडी हो गई है। ये बस हमें ये ऐसा ही चाहिए। इस तरफ हमारा कस्टर्ड जो है ये भी रेडी हो चला है। चले जी, ये सेवई वाला जो है इसका मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ और बस ये कस्टर्ड वाले को एक आध मिनट जो है मैं पकाती हूँ। ले जी, इसको हमने बस इतना ही गाढ़ा करना है क्योंकि ये ठंडा होने पे जो है मजीद गाढ़ा हो जाएगा और हमने इसको फलूदे की तरह ग्लास में सर्व करना है, इसलिए जो है इसको हम ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे। बस इतना ही जो है ये ठीक होना चाहिए। अब इसका मैं फ्लेम बंद करके इसको मैं ठंडा करके तकरीबन एक घंटे के लिए फ्रीज़र में रखती हूँ। ले जी नाज़रीन, ये कस्टर्ड और सेवइयां जो हैं हमारी फलूदे की ये बिल्कुल रेडी हैं, ठंडी हो चुकी हैं। ये देखेंगे मैंने ठंडी करने के बाद इसमें मिक्स कर ली थी। ये लंबी लंबी सेवइयां जो है इसी तरह से जो है मुंह में आएंगी और इसके साथ साथ मैंने ये एप्पल भी क्यूब्स में कट कर लिए हैं और बनाना जो है इसको भी मैंने कट कर लिया है। अब मैं इन सबको सैम्पल करके दिखाती हूँ। लें जी, कस्टर्ड फलूदा बनाने के लिए सबसे पहले मैं ये तुख मलंगे जो है जो मैंने भिगोई थी सबसे पहले नीचे ये मैं लगा रही हूँ। सारे ग्लासों में ये एक टेबलस्पून के करीब जो ये तुख मलंगे थी पूरी फूल के पूरा ग्लास बन गई है। अब इसके ऊपर ये थोड़े से फ्रूट्स में डालती हूँ, कोई से भी फ्रूट्स आप यूज कर सकते हैं। थोड़े से मैंगोस,
वैसे ही आजकल मैंगोज का सीजन है तो बच्चों को तो बहुत पसंद है, और सेवैयाँ भी नूडल्स भी बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। अब थोड़े से केले क्यूब्स में कट किए हुए, और थोड़े से एप्पल्स, आप अपनी पसंद के कोई से भी फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैं ये रूह अफजा डाल रही हूँ। आपके पास अगर रूह अफजा अवेलेबल नहीं है तो कोई सा भी रेड कलर का शरबत जो भी आपके पास हो घर में वो आप डाल सकते हैं। फलूदा जो है वो ज़्यादातर रेड कलर के शरबत के साथ ही बनता है, नहीं तो आपकी मर्जी है, आपके घर में अगर ग्रीन कलर का शरबत अवेलेबल है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, थोड़े से बादाम, थोड़े से पिस्ता, जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो आप डालिए, आपकी अपनी मर्जी है। चल जी, अब इसके ऊपर ये फलूदा कस्टर्ड जो मैंने बनाया है ये हम डालेंगे। अब इसके ऊपर दोबारा से थोड़े से तुख मिलेंगे, थोड़ा सा मैसी हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, हम बाद में साफ करेंगे। तुख मिलेंगे डालने के बाद मैंने इसके ऊपर से दोबारा से फ्रूट्स डाले और थोड़ा सा जो है ये रूह अफ़ज़ा डाल रही हूँ। और ऊपर से जो है ये हम कस्टर्ड फलूदा दोबारा डालेंगे। अब सबसे ऊपर टॉप में जो है ये थोड़े से मैं मैंगोज डाल रही हूँ। थोड़ी सी तुख मलंगे दोबारा से, क्योंकि ये फलूदा है तो फलूदे में जो है तुख मलंगे जो है वो बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती हैं और इसके स्पेशल इंग्रेडिएंट्स में से है। ऊपर से रूह अफ़ज़ा, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। ले जी, ज़बरदस्त किस्म का जो है हमारा कस्टर्ड फलूदा रेडी है। इसको आप स्ट्रॉ के साथ भी खा सकते हैं और इसको स्पून के साथ भी खा सकते हैं। स्पेशली इसके साथ स्पून भी होता है और साथ में स्ट्रॉ भी आप यूज़ करते हैं। आप ज़रूर इसको गर्मियों में ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसको आप बनाएं और मुझे भी कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। Thank you very much.